आइडिया है कि उन्हें एक नाव बनाई जाए, इतना अच्छा मौसम। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और वेलकम टू द चैनल। मैं अभी काम कर रही थी, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा ये टाइम है काम करने का और मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, बट अभी इतना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। तो देख सकते हैं मैं अपना काम कर रही थी सिस्टम पे और सुबह से मतलब ये लगा लो लाइट जा रही है, लाइट ही नहीं है और बड़ी मुश्किल से अभी आई है जस्ट। और इतना आंखों में प्रेशर पड़ रहा है ना उसकी वजह से, क्योंकि बाहर इतना अंधेरा हो रखा है और अभी बज रहे हैं दिन के 2 बज रहे हैं। ठीक है, हम अभी बस खाना खा के बैठे हुए हैं और मैं थोड़ा काम ही कर रही थी। अभी भी जस्ट लाइट आई है, मैं थोड़ा सा अपना काम शुरू ही किया था और लाइट इतना आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, बस यही हो रहा है। इतनी बारिश हो रही है, ये लगा लो 1 वीक से बारिश हो रही है। और कल रात को थोड़ी सी बारिश हल्की सी कम हुई थी तो थोड़ा जो पानी था वो निकल चुका है, बट अभी भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। तो ये देख सकते हैं बस पूरे भाड़ जैसे आसार हो चुके हैं। आई थिंक आपको डिस्टर्बेंस भी सुनाई दे रही होगी, देखिए पानी पानी पानी। और ये देखिए इनकी बाइक भी पूरी भीग चुकी है, चली गई इसके अंदर पानी के अंदर। और अगर बारिश ऐसी ही चलती रही तो मुझे तो डर है कि कहीं बाढ़ बाढ़ टाइप के आ ना जाए। तो दोस्तों इतनी बारिश हो रही थी क्या बताऊं, और कल रात थोड़ी सी बारिश कम हुई थी उसके वजह से अभी थोड़ा सा पानी निकल चुका है इसका। बाइक भी पूरी ऑलमोस्ट भीग रही है, तो मैं अब इनको बोल देती हूँ कि बाइक को कहीं सेफ जगह रख कर आए, क्योंकि यहाँ पे रखना सेफ नहीं है और बारिश की वजह से कहीं गिर भी ना जाए और खराब भी हो जाती है। तो मैं अभी इनको बोल देती हूँ कि थोड़ा बाइक को सही जगह पे लगा देंगे, है ना। तो चलो बोलते हैं, तो बोल दिया अभी जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितना पानी का हो रहा है, पहुंच चुके हैं इनके लोग, आराम से ले जाना। तो ये बाइक को लगाने जा रहे हैं, मैं अंदर आपसे बात कर दी, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं आपको अंदर मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अंदर और अभी मुझे एक आइडिया आया कि ना एक नाव बनाई जाए, इतना अच्छा मौसम हो रखा है। बचपन में हम बहुत नाव मतलब बनाते थे कागजों का स्कूल में से, तो बहुत बारिश होती थी तो हम करते थे, घर में भी करते थे। तो आज मैं चलो अपना वही रिक्रिएट करती हूँ उसको और बनाते एक नाव। रेडी हो चुकी है, तो चलो उसको हम करते हैं, तो चलो चलते हैं। ओ बहुत तेज बारिश हो रही है और आई थिंक हस्बैंड भी आ चुके हैं, हाँ वो दिख रहे हैं आते हुए। तो चलो इनको बोलते हैं और ये नाव को हमारे लेके जाएंगे आगे। नाव मेरी आगे ले जाओ, नाव अच्छे से बीचों बीच में रख देना इसको, लो क्या बोला, बीचों बीच में रख दो ना नाव को, तैरा दो थोड़ी सी मेरी नाव को। कोई बात नहीं। तो दोस्तों देखो एक और नाव है यहाँ पे, आई थिंक हमारे ऊपर वाले हैं, उन्होंने शायद से उनकी बच्ची है छोटी सी, तो उसने बनाई होगी वाली नाव, और वाली मेरी नाव, मैं भी तो छोटी बच्ची हूँ, तो वो मेरी नाव। बहुत तेज बारिश हो रही है, एक्सट्रीमली हार्ड, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। तुम्हारी नाव तो डूबने वाली है, तुम चेंज कर लो जल्दी से, ठंड लग रही है, कितनी जोर से बारिश हो रही है। नाव देखो तुम्हारी गई पानी के अंदर,
मेरी नाव कहीं तो जाएगी, हमें इसमें कुछ लिखना चाहिए था ना। कहीं नहीं जाएगी, आगे कहीं पानी के अंदर तुम्हारे नाव, बहुत पानी भरा हुआ है आगे तक है, बहुत ज्यादा। कितना पानी भरा हुआ आगे? अरे पूरा आगे में पानी भरा है, पानी भरा चलने जैसा होता है। तुम चेंज कर लो ना, ठंड लग जाएगी। तो दोस्तों ये तो करनी गए हैं चेंज, और हम भी दस मिनट ही था बारिश के मजे ले रहे हैं। और बताओ तुम बाइक कहाँ रहे थे तुमने? ऑफिस के वो नीचे नहीं है जहाँ पे स्टैंड है, सब रोड जहाँ तो पानी भरा हुआ है पूरा। अच्छा आगे पूरा पानी भरा हुआ एरिया में? पूरा पानी। तो दोस्तों ये लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है, कल हल्की सी बारिश रुकी थी, तब जैसे पानी मतलब हमारा काफी ज्यादा निकल चुका है। और एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको कि हम जिस इलाके में रहते हैं ना, ये इलाका थोड़ा सा मतलब ऊंचाई में है ये इलाका, तो इसीलिए यहाँ पे जितना भी पानी होता है वो जमा नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता है। बट तो कुछ इलाके कोल्हापुर के ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा निचले इलाके में है, तो वहां का तो मैं सोच के थोड़ा सा टेंशन में आ जा रही हूँ कि वहां के लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। और इवन मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मतलब बता रहे थे कि जितने ऑफिस के रूट है ना, बहुत सारे चेंजेस आ गए रूट्स में, क्योंकि पूरा पानी भर चुका और नाव चल रही है। इमेजिन मतलब सीरियसली नाव चल रही है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, बस हमेशा टीवी में देखा था कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसा ऐसा होता है, बट अब रियल में मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो सीरियसली बहुत ज्यादा स्केयर है ये। तो चलो चलते हैं बार, क्योंकि आधे घंटा हो चुका है नाव को मैंने तैराते हुए, तो चलो देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचे नाव। तो चलो चलते हैं, कहाँ है नाव? ओ ये तो डूब गई। अच्छा ये रही, यही है ना हमारी नाव? एक नाव यहाँ पर ही है, यही होगी तुम्हारी, यही है ना नाव, यही होगी, पता नहीं और तो कोई दिख नहीं रही नाव। ये तो बच्चे वाली है ना, वो पहले बनाई थी उसने, जो और तो कोई नाव दिख नहीं रही, तो शायद यही है मेरी नाव। तो दोस्तों मेरी नाव तो तहस नहस हो चुकी है, बिचारी नाव मेरी, इतनी बारिश में कहाँ झेल पाती यार वो। सो बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, तो क्यों ना हस्बैंड को बोला जाए कि कुछ सूप बना दे गर्मा गर्म, और तो चलो उनको बोलते हैं, थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बोलने से तो कहाँ मानते हैं, तो दो तीन बार बोलना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि सूप बना दो, तो गर्मा गर्म सूप पीएंगे फिर उसके बाद, तो चलो बोलते हैं। बहुत बारिश हो रही है तो हमने सोचा सूप पिया जाए, तो अभी हस्बैंड ने बना दिया गर्मा गर्म सूप, तो चलो मैं पीती हूँ और आपको मिलती हूँ सूप पीने के बाद। अभी हमने सूप पी चुका है, और अगर मैं अभी का अपडेट दूं आपको, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, और अगर इसी तरह इतनी तेज रफ्तार से बारिश हुई ना, तो पानी घर के अंदर आ जाएगा, ऑलमोस्ट वो हमारे घर के मतलब बाहर तक पहुंच चुका है पानी। मुझे तो डर है कि कहीं घर के अंदर आ गया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम देख रहे हैं, आधा घंटे अगर ऐसी बारिश हुई तो पक्का आ जाएगा घर के अंदर। तो जो भी अपडेट्स रहेंगे मैं आपको शेयर करूंगी। बाकी तो मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा बारिश कम हो जाए, इतना बारिश अच्छा नहीं है, और अगर घर के अंदर आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, मैं अब आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दिए, तब तक के लिए बाय बाय।